हेलो गाइस, मैं हूं अनमोल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धमाल एक्सपेरिमेंट में। तो गाइस, आपने जैसा कि हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, या नहीं देखा तो भैया मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ आई बटन में भी डाल दूंगा, तो भैया जरूर जल्दी जल्दी देखो। तो मैं जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया था, तो हम लोग पानी में सिंपली आग लगाए थे, तो भैया आज का जो वीडियो हमारा आज जो अभी आप लोग आगे देखोगे वो भी पानी से ही रिलेटेड वीडियो है। और भैया कमाल की बात मैं बता रहा हूँ, आज का वीडियो भैया आपकी जो आँख जो है ना, आँख उसके सामने से काले पट्टे को हटा देंगे। भैया अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, माफ करना। चलिए तो आज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अभी का जो हमारा सोसाइटी है उसमें टू टाइप्स के लोग हैं, एक जो अपना लाइफ को एकदम सिंपली वे में स्पेंड करते हैं, और एक जो भैया ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप से अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के लाइफ से एक छोटा सा क्लू को उठाते हैं और बातचीत करते हैं उस पर। तो भैया पानी, सबकी ज़रूरत है पानी। तो भैया पानी जो होता है सबों का ज़रूरत होता है, और पानी भैया पीने के लिए सब लोग एकदम अच्छे क्वालिटी का ही खोजते हैं। आप ही खोजते होगे, मैं भी खोजता हूँ। तो गाइज मैं बता रहा हूँ आपको, ये पानी जो होता है, तो पानी अब मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर टाउन एरियाज में हो तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, देखो ये होता है क्या, जो कोई आदमी जो अच्छा सा है बिजनेसमैन, वो एक प्लांट बैठा लिया, प्लांट बैठाने के साथ साथ उसका पानी जो सप्लाई वाटर आता है, ये ब्लू कलर के जो डब्बा में पानी आता है वो हम लोग नॉर्मली से लेते हैं, या फिर जिनके पास नहीं भैया अवेलेबल है वो लोग अपने हैंड पंप का पानी पीते हैं, पंप दबाते हैं और पानी निकलता है और पी लेते हैं। तो चलिए, तो भैया क्या आप जानते हैं जो वो हम लोग जो पानी पीते हैं, ये ब्लू और डब्बा वाला और साथ ही साथ जो ये हैंड पंप वाला, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? भैया जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट ठोको, नहीं जानते फिर भी कमेंट ठोको, ताकि मैं जानूं तो आप लोग नहीं जान रहे हो। तो आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार चीज़ है, शानदार गैजेट है, बहुत ही एकदम कमाल का, उसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो भैया वो जो है ना, उससे आज हम लोग देखेंगे कि दोनों पानी के बीच में क्या डिफरेंस है, जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उस मशीन को यूज़ करते हैं और जानते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भैया वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, लास्ट तक बने रहो। तो भैया अब आ गई है वो सुनहरा पल, जिसमें मैं आपको दिखलाऊंगा वो शानदार सा गैजेट। तो भैया ये रहा हमारा गैजेट, और इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। इन दोनों वाटर जो, ये दोनों, इस दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस चीज़ को करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे दो शीशा का गिलास, यहाँ पे हम लोग ना ही स्टील गिलास का यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ ना ही प्लास्टिक के गिलास का, क्योंकि हो सकता है बाई चांस जो अगर हम लोग स्टील के गिलास का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसमें हो सकता है जो करंट पास करे, और साथ ही साथ कुछ खतरा भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो जब प्लास्टिक गिलास में अगर हो सकता है कुछ, अगर मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ पे ज़्यादा वहाँ से पास होने लगे, तो वो ग्लास जो हमारा ग्लास जोड़ेगा, तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्लास्टिक है तो सिंपली से बात तो बर्क भी सकता है, जल भी सकता है, और भैया चक भी सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये दो शीशा ग्लास, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इन दोनों ग्लास पे मैंने एक स्टिकर छोटा सा लगा दिया है, जिसमें एक में लिखा हुआ एच, तो मतलब हो गया भैया वो हैंड पंप का वाटर है, और साथ ही साथ एक में लिखा हुआ है एस, तो भैया ये सप्लाई वाटर जो मैंने बताया था आपको, ब्लू वाला डब्बा में जो आता पानी वो वाला। तो इन्हीं दोनों के बीच में आज हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो भैया इस चीज़ को करने के लिए हमारा जो ये गैजेट है, मस्त सा गैजेट, इस गैजेट को ये दोनों जो देख रहे हो, ये पेयर जो बना हुआ है, ये इस पेयर को हम लोग इस ग्लास में, इस पेयर को इस ग्लास में डालेंगे, और फिर हम लोग इसको हमारे एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, जिसमें कि अभी करंट आ रही है, और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो चलिए, तो भैया इसके वायर को हम लोग अपने एक्सटेंशन बोर्ड से यहाँ से अटैच कर रहे हैं, और साथ ही मेरे टीम मेंबर वहाँ पे उसमें करंट सप्लाई चालू कर दिए हैं, देख सकते हो करंट यहाँ चालू हो गया। और गाइस देख लो, सही से देखो, मैं आपको दिखला रहा हूँ क्या होता है यहाँ पे, और देख सकते हो जैसे ही करंट वहाँ पे ऑन हुआ गाइस, और ये पानी में कुछ हलचल तो गाइस शुरू ही हो गया, देख लो आप लोग सही से।
तो भैया करीबन 5 मिनट इस मशीन को चलाने के बाद हमने इसका पावर सप्लाई ऑफ कर दिया है। और चलिए तो मैं इसको इसमें से निकाल लेता हूँ और देख लो भैया, मतलब आप अगर सही से देख रहे होगे तो यहाँ पे देखो कितना सारा गैस, मैं बता रहा हूँ ये शायद मेरे ख्याल से भैपर इसमें से निकल रहा है गाइस। और ये देख लो इस पर भी कुछ ये पता नहीं क्या लग गया, और ये काफ़ी गाइस अभी मैं बता रहा हूँ ये इससे बहुत सारा हीट निकल रहा है गाइस। और चलिए तो मैं इसको साइड रखता हूँ और फिर बात करता हूँ अपने इन दोनों ग्लास के पानी के बारे में। करीबन 5 मिनट चलने के बाद ये जो हमारा पानी है, मैं इसका जो है ये स्टिकर मैं ये निकाल के देखो दिखला रहा हूँ, ये हमारा ये था एस, मतलब ये सप्लाई वाटर जो था गाइस, ये मैं इसके सामने चिपका रहा हूँ, ये सप्लाई वाटर वाला पानी है। और इसका देख सकते हो आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, और इसमें ज़्यादा कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। और साइड से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गाइस, मैं दिखला रहा हूँ साइड से, बस यहाँ पे थोड़ा सा गाइस यहाँ देख लो कुछ झाग जैसा बन गया है, और इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। चलिए और आगे बात करते हैं अपना ये वाला जो गाइस, ये मैं दिखला रहा हूँ देखो, इसका मैं स्टिकर निकाल के दिखला रहा हूँ, ये जो हमारा ये वाला था एच, मतलब ये हो गया हमारा हैंडपम्प वाला गाइस ये पानी जो था। और भैया इसके अंदर पता नहीं ये क्या बन गया है भैया, मैं निकाल के दिखला रहा हूँ, ये वाइट कलर का कुछ देखो बहुत ही अजीब सा ये बन गया है। और देखो मैं मिला रहा हूँ इसके अंदर, और भैया ये देखो पानी हमारा कैसा था और कैसा हो गया, मतलब आप देख सकते हो आपके सामने, मतलब आपके आंखों के सामने दोनों पानी के बीच का डिफरेंस है। और ये हमारा एस वाला, मतलब ये सप्लाई वाटर हो गया, और ये एच वाला, मतलब ये हमारे हैंड पंप जो था भैया। तो भैया करीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक इसमें देखो डस्ट पार्टिकल है, और बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है देख सकते हो यहाँ पे, ये नीचे के लेयर में सारा मतलब नीचे बैठ रहा है, और इसमें भी तो था गया लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है और बहुत कम ही है। और इसमें भैया देख सकते हो कितना सारा है, और ये देखो भैया ये धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। और अभी तक ये गिलास मैं बता रहा हूँ ये अभी तक ही बहुत अभी तक गर्म है, और ये वाला तो गर्म हुआ ही नहीं था देख सकते हो, इस गिलास में तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, नॉर्मल साइज जैसा मैंने डाला था वही इसका टेम्परेचर है। और ये भैया इसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हुआ, और अभी भी लग रहा है जैसे मैंने इसको 10 मिनट तक बॉयल किया वैसा ही लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, आपने सभी देखा ही है भाई साहब। ये जो है ये जिसमें बहुत सारा वाइट पार्टिकल्स है, ये वाला भाई हमारा जो था ये हैंडपम्प का वाटर है, और इसमें देख सकते हो ये जो हमारा था ये सप्लाई वाला वाटर इसमें भी है लेकिन थोड़ा सा ही। तो भैया आपके सामने, आपके आँखों के सामने डिफरेंस है दोनों पानी के बीच का, तो भाई साहब देख लो आपके लिए कौन सा पानी बेस्ट है, आप लोग यूज़ करो अच्छे से। मैं किसी पानी को यहाँ पर ख़राब नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी भैया आपके सामने आप सभी देख सकते हो, तो आप लोग सतर्क रहे और अच्छे से अच्छा वाला पानी पिए भैया। तो भैया अगर आपको इस वीडियो से इतना सा भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलना, ताकि आपके जो आगे के जो फ्रेंड है वो सब भी जाने जो दोनों बीच पानी जो है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया छोटा सा काम है, बस सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ उसके बगल में रहता है घंटे वाला निशान, उसको ट्यून कर देना भैया, वो खुद पे खुद चला जाएगा, और जब भी मैं कुछ नया वाला वीडियो डालूंगा ना आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। अभी जो देखा है डिफरेंस वाला, दो पानी के बीच का डिफरेंस, दो वाटर के बीच का डिफरेंस, तो भैया इसका अभी मैं बता रहा हूँ आपके अपने भाई के चैनल पे अभी इसका सीरीज आने वाला है, मैं बहुत सारे पानी के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। सो अगर आपको उन सारे वीडियो को मिस नहीं करना है तो जल्दी से लाइक कर दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।